at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी. मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10. लेकर आ गए हैं हम फिनाले. बट आज हम बैठ कर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है. वन आफ्टर द अदर टॉपिक्स, वन आफ्टर द अदर इन्फॉर्मेशन, बट यू डोंट गिव मी अ फीडबैक, यू डोंट गिव मी अ कमेंट. कुछ एनर्जी उधर से आ नहीं रहा है, तो बैठ कर ही बता दो इस बारे में. हाँ, और आज का जो टॉपिक है उस पर बैठ कर ही बात कर सकते हैं. खड़े हो जाएंगे तो फिर मारामारी हो जाएगा. इससे अच्छा बैठकर डिस्कशन करेंगे आज द वीकली विद चौबे जी में व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाई पॉलिटिक्स. सो बाय फार अभी तक आपने पहला सीजन, दूसरा सीजन और सारे एपिसोड देखे होंगे, तो इस शो में वी ट्राई टू गिव अ लॉजिक, not an opinion, not a perspective from my side, but we generally talk about and discuss about things which we generally don't talk about. Politics aur democracy aisi cheez hai jiske bare mein har koi baat zarur karta hai, lekin is cheez ko interesting kaise rakhe apne jeevan mein ya fir kaise relevant rakhe, yani democracy ya politics aapke life mein aur hamare life mein kitni zaruri hai, us cheez ka mahatva main samjhane aaya hu thoda, taki agle baar aap jab vote dene jaye तो फिर कंप्लेन ना करें. आप अपने MLA को या फिर MP को ठीक से जाने, ठीक से पहचाने, अपने मेयर को या फिर सिटी के कलेक्ट्रेट को जाने पहचाने, कौन है, कैसा काम करता है, ताकि बाद में कंप्लेन ना करें. बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी. इफ यू डोंट नो इट देन यू डोंट हैव द राइट टू इवन वोट, बट यू शुड वोट. दैट इज डेमोक्रेसी. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, व्हाई पॉलिटिक्स एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी एंड you should be a part of it, which you are directly or indirectly. So let's discuss that today. Manushyo ki zarurat ya fir human needs hamesha se raha. Pehle jab population kam tha to wo chupchap se phal tod ke ya fir hunting karke, solo hunting karke, group mein hunting karke khana kha rahe the. Sirf pet palna tha aur sex karke population badhana tha to wo kaam kar rahe the. Lekin jaise jaise population badhta gaya, religion aa gaya, countries aa gaye, groups aa gaye, और इनमें डिविजन या फिर भेद मतभेद होने लगा, और राजपाट करने के लिए कुछ मनुष्य को जरूरी था राजनीति करना, यानी पॉलिटिक्स. और पॉलिटिक्स का जो चार अहम अंग है वो है साम, दाम, दंड, भेद, जो कि आज तक चला आ रहा है. यही चार प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिक्स चलता है. और इंडिया, भारत राष्ट्र जो है, साम पहले वाले आइडियोलॉजी को ज्यादा मानता है. साम मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेशन या फिर समझौता करना नीतियों के द्वारा, ना कि मार धाड़. क्योंकि दाम, दंड और भेद पर जाएंगे तो मैटर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, जो कि बड़े बड़े राष्ट्र यूज करते हैं, आएंगे उस पे. लेकिन अपनी जो आइडियोलॉजी है, साम यानी कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द की. इसीलिए इंडिया अभी तक किसी भी वॉर में ये नहीं बोलता है कि हाँ आप लोग गलत कर रहे हैं, नहीं, ये बोलते हैं कि आप लोग पीस रखिए, समझौता करिए, आप लोग भी पीस रखिए, समझौता करिए, अरे आप लोग भी. दैट्स द होल आइडियोलॉजी अबाउट साम, कम्युनिकेशन इज द की. कितनी बार बोलूं. लेकिन ये दूसरे राष्ट्र वाले कहीं और लड़ाई हो रहा होता है किसी और की पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं, ये भी साम है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन इन अ वे. दे आर ट्राइंग टू मतलब ब्रेक डाउन आवर पॉलिटिक्स. आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्र में जो चलता है, कुछ गतिविधियां होती है, कुछ राइट्स होते हैं या कुछ आंदोलन होता है, तो उसमें बाहर वाले, अमेरिका वाले अपना प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन जरूर देना समझते हैं, क्योंकि वो भी एक आइडियोलॉजी है राजनीति का, साम. द वेस्ट हैज अ बैड हैबिट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, US और चाइना हैं तो एनिमीज दिखने में, मतलब बाहर से, लेकिन काम तो चलते रहना चाहिए. तो US वाले अपने एक बंदे को भेजते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कि भाई सब कुछ ठीक कर दे, अब चलने देना काम. लेकिन यहाँ भाई साहब बाइडन बोल देते हैं कि चाइना वाला जो प्रेसिडेंट है वो है एक डिक्टेटर. हो गया ना काम खराब. कम्युनिकेशन मतलब वो वहाँ क्या करने गया था, वो ये यहाँ से क्या कर दिया. दिस इज पॉलिटिक्स. अब इसी में हमारा भी एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं. नरेंद्र मोदी जब US जाते हैं तो कितने ही वहाँ के एम्बेसडर्स या फिर नेता अच्छा अच्छा बोलते हैं, और कितने सारे कुछ भी बोल देते हैं या फिर बोलते हैं अगेंस्ट मोदी के या फिर अगेंस्ट इंडियन डेमोक्रेसी के. तो ये है पॉलिटिक्स का पहला हथियार, साम, कम्युनिकेशन, बातें करना या फिर बात करना, अपना ओपिनियन रखना, चाहे वो कहीं पर भी आप बैठे हों. आजकल तो सेलिब्रिटीज भी अपना ओपिनियन देने लगते हैं पॉलिटिक्स में,
क्योंकि उनके पास भी तो फॉलोअर्स है ना, और उनके पास भी तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स की इच्छा तो जरूर आ रही है। आप अभिनेता बन सकते हैं तो नेता भी तो बन ही सकते हैं, क्योंकि नेता तो रियल में एक्टिंग करता है, अभिनेता तो खराब ही एक्टिंग कर रहा है, तो इससे अच्छा उधर ही चला जाए। यहाँ डेमोक्रेसी में हम और आपको सबको बोलने का अधिकार है। चाइना में जाके बोल के देखो उड़ा देंगे, रशिया में बोल के देखो उड़ा देंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स है हमारे तक ही सही है, यानी इंडिया में शाम अभी भी चल रहा है और हम उसे बहुत सही मानते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला आइडियोलॉजी यानी शाम कम्युनिकेशन कोई कैसे यूज करता है पॉलिटिक्स, कोई कैसा स्टेटमेंट देता है, क्यों देता है, और वो किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, फिर हमारे राष्ट्र को इफेक्ट करता है। इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड, जरूरी है ये समझना। अब आते हैं डैम पे। पॉलिटिक्स का दूसरा हथियार डैम, मनी 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 मनी। चाइना देखो हर जगह पैसा फेंक फेंक के खरीद रहा है ना, श्रीलंका में पैसा फेंका, पाकिस्तान में भी फेंक रहा है, अरब कंट्रीज में भी पैसा फेंक रहा है, जिससे कि यूएस की लगी पड़ी है। मतलब ये क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? पैसा लगेगा तभी तो पैसा आएगा ना रिटर्न में, या फिर पैसा लगेगा तभी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फैलेगा। दाम बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। अब सब सारा पैसा तो ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप और यूएस के ही पास है, वर्ल्ड पावर है, तो यूज करते रहते हैं। जैसे कि नेटो, हमारा नाटो यूक्रेन को पैसा दे रहा है ना, मतलब पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, दाम दे रहा है ताकि वो लड़ते रहे या फिर रशिया के साथ वो पूरा वेपन डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे। एक से एक नए हथियार और टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं दाम के चक्कर में। टेक्नोलॉजीज बनेगा तो आपको दाम मिलेगा, टेक्नोलॉजीज बिकेगा तो आपको और दाम मिलेगा। अभी अभी इंडिया भी जाके ड्रोन खरीदा यूएस से दाम देके, यहां तक कि इंडोनेशिया इंडिया से हथियार खरीद रहा है। मतलब हथियार इतना जरूरी हो गया खरीदने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, बस ये यूक्रेन का वॉर देख के जो कि 2 साल से चला आ रहा है। यूएस पीछे तो है नहीं, वो आज से नहीं कितने सालों से पैसा फैला रहा है रिसोर्सेज या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बेचने के लिए। इसराइल ले लो, इराक ले लो, अब यूक्रेन ले लो ना। खैर वहां से तो तेल चाहिए था, यहां से भी गैस और तेल चाहिए था। अफगानिस्तान में क्या चाहिए था? ओपीएम और लिथियम। ताइवान से क्या चाहिए यूएस को? सेमीकंडक्टर। तो कुछ ना कुछ चाहिए ऐसे कंट्रीज से। पूरा का पूरा अफ्रीका आज भी यूरोप के लिए एक रिसोर्स का एक हब है, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो अफ्रीका से लोग भाग के जाते हैं फ्रांस में और वहां आज दंगा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स खेलिएगा तो आपके साथ भी पॉलिटिक्स तो होगा ना। तो आपने अगर दाम लगाया है तो आपको दाम मिलेगा, लेकिन कर्मों की सजा भी मिलेगी। तो ये है पॉलिटिक्स का दूसरा हथियार दाम, जो कि हर राष्ट्र, बड़े बड़े राष्ट्र यूज करते हैं दूसरे कंट्री में उंगली करने के लिए या फिर वहां का पॉलिटिकल उथल पुथल मचाने के लिए, ताकि अपना पावर वहां बना सके। बिगेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान हमारे बगल में, जो कि अमेरिका का कठपुतली है। इंडिया में भी जितने सारे आंदोलन होते रहते हैं, राइट्स होते रहते हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया वाले ही करा रहे हैं। मर्डर्स हो गए या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आपको पता है कौन करवाता है? ये दाम दे के ही होता है। ये दंगे भी बाहर से ही आते हैं। फंडिंग, PFI फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज देयर राइट, कुछ ना कुछ तो इनका आइडियोलॉजी था ही। तो ये और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब तक दाम नहीं रहेगा तब तक देश या आइडियोलॉजी या फिर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इंडिया इसमें बहुत पीछे है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता कि दूसरे कंट्री को खरीद ले। हाँ, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से हमें कुछ प्रॉफिट हो सके, उतना ही बस ठीक है भाई, नहीं तो कर्मों की सजा मिलती जरूर है। पॉलिटिक्स का अगला हथियार जो कि है दंड, पनिशमेंट, अलग अलग कंट्रीज पे लगते रहता है, अलग अलग एंटिटीज और ग्रुप्स पे भी लगते रहता है। जैसे कि वैगनर ग्रुप पे सैंक्शंस लगना, यूनाइटेड नेशंस हर जगह सैंक्शन लगाते रहता है कि आप तेल नहीं बेच सकते, वॉर चल रहा है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, वॉर, आप तो वॉर कर ही रहे हो, आप कैसे बिजनेस कर सकते हो? नहीं, गलत बात। नॉर्थ कोरिया, आप तो भाई चुप रहो, आप पे सैंक्शन हमने लगा रखा है, आप टेस्ट करना बंद करो। ठीक है, तो ये होता है आजकल के टर्म्स में दंड देना या फिर दंडित करना किसी भी कंट्री को इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस। दंड का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक इंडिया के एक एंटरप्रेन्योर थे जो कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, बहुत लोगों की नजर लग गई, और नजर क्या लगी, कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने बोला कि ये बंदा गोलमाल कर रहा है। ऐसा पब्लिक इमेज बना या फिर वर्ल्ड इमेज बना कि वो ऊपर से सीधे नीचे चले गए।
दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ दंड. ये पॉलिटिक्स का एक तरीका है. जब शाम से बात नहीं चले, दाम से बात नहीं चले, तो फिर दंड देना पड़ता है. वो एक तरीका है किसी भी कंट्री को, किसी भी एंटिटी को या ग्रुप को सैंक्शन लगा देना या फिर बंधित कर देना या फिर उसका इमेज खराब कर देना. सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा. अब आते हैं पॉलिटिक्स के सबसे महंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हथियार पे, भेद. डायरेक्ट मीनिंग में इसका मतलब है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के गेम में हर कोई आगे रहना चाहता है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो कंट्रीज हो. अब आपके लाइफ में ये इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी होगा कि ये रिश्तेदार इतना ग्रो कैसे कर रहा है, पड़ोसी नया कार कैसे लेके आ रहा है, मेरा चूतिया फ्रेंड कैसे गर्लफ्रेंड बना रहा है. ये इंफॉर्मेशन काम की चीज है, क्योंकि आप हमेशा आगे रहना चाहते हो, एडवांस रहना चाहते हो. सिमिलरली बगल वाले कंट्रीज को जानना जरूरी है ना कि ये इतना ग्रो कैसे कर रहा है. तो जासूस छोड़ते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ तक कि ये जासूस विद्रोह तक करवा देते हैं दूसरे कंट्रीज में, तख्ता पलट करवा देते हैं. जैसे कि US, they will always spy on China, and China का तो हर जगह पुलिस स्टेशन खुला हुआ था. हर कंट्री में जहां जहां उसके अपने बंदे हैं वहां वहां पुलिस स्टेशन खोल के रखा है स्पाई के लिए. इनफैक्ट पाकिस्तान का भी एक एजेंसी है, है कि नहीं है वो CIA चलाता है वो भगवान जाने. कोई भी इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि किस जगह किसी कंट्री में क्या लड़ाइयाँ हो रही है, ये भी जानना जरूरी है बाहर वालों को, ताकि उसमें भी मतभेद पैदा कर सकें. जब साम दाम दंड नहीं यूज होता है तो भेद इंफॉर्मेशन बहुत काम आता है. लेकिन ये होना चाहिए, साम दाम दंड, तभी तो भेद काम आएगा. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का. हमारा भारत देश भी राजनीति के गेम में पीछे नहीं रहा है. एक से एक एक्सपर्ट आए हैं और अभी भी हैं. पंडित जयशंकर को उठा के देख लो, जहां जाते हैं वहां आग लगा के आते हैं, दूसरों की मार के आते हैं. हमारे देश में भगवान ही रहे हैं राजनीति के, श्री कृष्ण. पूरा महाभारत उठाकर देख लो, भागवत गीता में तो थोड़ा सा उपदेश है, लेकिन आज भी घरों में कहा जाता है कि महाभारत मत रखो, गीता भले रखो, क्योंकि महाभारत रखोगे तो राजनीति समझ में आ जाएगा और राजनीति समझने लगोगे तो घर में राजनीति करने लगोगे. दैट इज वेरी रॉन्ग. यहाँ तक कि हमारे पास चाणक्य नीति भी है. चाणक्य ने दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य ने दिया अशोका को, अशोका ने दिया पता नहीं किसको दिया, गुम हो गया या फिर ब्रिटेन उठा के लेके चला गया और ब्रिटेन आज भी यूज कर रहा है. अब ब्रिटेन उठा के ले गया चाणक्य नीति तो सुपर पावर बनेगा ही. 500 साल राज किया हर जगह और अभी भी राज कर रहा है, शायद इनडायरेक्टली. अमेरिका सूडो ब्रिटेन ही कह सकते हैं आप, कनाडा भी. अब हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण, चाणक्य, बीरबल तो थे ही, एक्सपर्ट के नाम पे आजकल ये घूमते रहते हैं. जहां जिसको एक्सपर्टीज देते हैं वो इलेक्शन हार जाता है. दो सवाल इनसे पूछ लिए, सवाल पूछने से पहले नो 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 करने लगते हैं. बक्सर सिविल लाइन से आए हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा इनको बात करने के लिए. इंग्लिश में बात ना कीजिए इनसे, सिर्फ हिंदी में बात कीजिए तो इनको समझ में आएगा. एक्सपर्टीज उसी में लीजिएगा आप इनसे. वापस आते हैं इंडिया पर. हम क्यों इतना पीछे रह गए राजनीति के गेम में? शायद हम सिर्फ नीति पर भरोसा करते हैं. तो साम दाम दंड भेद तो बड़े बड़े लोगों के हथियार हैं, राष्ट्र का हथियार है, पॉलिटिशियंस का हथियार है, अपना सत्ता बनाने के लिए या फिर बिखेरने के लिए, अपना डेमोग्राफी, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए. लेकिन आम नागरिक पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार है नीति, पॉलिसीज. अब कितना भी ये लोग चिल्लाते रह गए राम राम हनुमान हनुमान, लेकिन आपने वोट कर्नाटका में उसी को दिया ना जो आपको फ्री में ट्रांसपोर्ट दे रहा है और फ्री में सिलेंडर दे रहा है. नीति पॉलिसीज, आप उसी में लुभाए जाते हैं. तो हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले अपने पॉलिसीज या फिर नीति लेके आती है लोगों को लुभाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए कि हम आपको ये देने वाले हैं तो हमें वोट दे दो भाई. लेकिन बहुत लोग इन पॉलिसीज को समझते नहीं. जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, यहाँ तो आप दे ही रहा था, अब कर्नाटका में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है. कहाँ? गांव में. और पैसे कौन दे रहा है? मेन शहर वाले. हमारा बिल तो 4 गुना बढ़ गया ना. तो ये फ्री पॉलिसीज कहीं ना कहीं आपको हमको हैम्पर जरूर करते हैं. तो फ्री के पीछे तो प्लीज मत भागो, क्योंकि फ्री वाले जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं दारू के ठेके पे बैठ के दारू भी पी रहे हैं, कमा तो रहे हैं कहीं ना कहीं से. तो हो सकता है अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग पार्टी अपनी अपनी नीतियों को लेकर आए. जैसे कि किसान बिल भाजपा लेकर आई थी, नहीं 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 नहीं
कांग्रेस भी लेकर आया था, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने हल्ला किया, अब ये हल्ला कर रहे हैं। तो ये किसी न किसी को प्रॉफिट देने वाला था, राष्ट्र को देने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे एंटिटीज थे जिनको इनसे प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो उन्होंने आंदोलन कराए रखा और मोदी जी ने बोला ले आओ वापस दे दो, थोड़ा बिल थोड़ा लीले कर देंगे। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि बिल वापस लेके आओ। क्यों भाई, अब जरूरत पड़ गई क्या? पॉलिसी पहले नहीं समझ में आया था? मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मार कर रहा है। सेम लड़ाई CAA और NRC को लेकर है। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि और माइग्रेंट्स आएं। आप दिल्ली में बैठे हो तो आपको पता है कितने अफगानीज वहां बैठे हैं, रोहिंग्याज बैठे हैं। आप अगर आसाम में बैठे हो तो आपको हालत पता है, आसाम से तो निकल निकल के यहां बैंगलोर तक पहुंच गए हैं बांग्लादेश वाले। तो इतना इमिग्रेशन, इतना इलीगल इमिग्रेशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये भी नीति का हिस्सा है। इंडिया इज अ कंट्री विच वेलकम्स ऑल ह्यूमंस फ्रॉम एवरी रेस एवरी एथनिसिटी। तो हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा तो गरीबी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इमिग्रेशन बढ़ते रहेगा तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी भी चेंज होगा रिलीजन के नाम पे, जो कि हो रहा है। कहीं ना कहीं हर सरकार वोट बैंक के लिए इन्हीं सारी नीतियों को अपनाती है। कहीं किसी नीतियों में आपको फायदा हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो रहा होता है। इन नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि भारत देश छोटी छोटी नीतियों पर लड़ाई कर रहा है और बड़े नीतियों को लेकर अभी भी थोड़ा शांत है, ओके है। अदरवाइज आप नीति सुनेंगे बाहर वालों की, कुछ ऐसे पॉलिसीज तो आपकी तो Page 6 in the handout. The first thing you're going to notice is a bar graph. And what that is to indicate our international sales, which peaked, of course, during the last quarter. But now we're expecting that to drop off as we enter the colder weather. The storm's moving away. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानियों को वापस भेज दो अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां तालिबान है और तालिबान की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। स्कूल बंद हो गया, स्कूल तो बंद हो गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन वहां ब्यूटी पार्लर और सलून बंद हो गया यार, जहां लड़कियां जाती थी अपना टाइम पास करने, लेकिन वो भी बंद कर दिया है। तो आएंगे ही ना इंडिया में। रिसेंटली ईरान ने भी कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे कि इतना बवाल हो गया, आज भी मर्डर्स हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं एक हिजाब को लेकर। और यहाँ इंडिया में, भारत देश में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अटल जी लाने वाले थे अभी तक नहीं आया है, और फिर भी बाहर वाले भाजपा को और नरेंद्र मोदी को राइट विंगर और डिक्टेटर बोलते हैं। ओके, ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। अब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री USA का एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पे इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं कि अगर आपने गलती से अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया गलती से और आप चाहते हैं कि ये बच्चा ना हो और अबॉर्शन करने जाओगे तो वहां वो इलीगल है। अबॉर्शन इज बैंड देयर, आपको इंडिया आना पड़ेगा। अब अबॉर्शन बैन हुआ है तो गलती से वो बच्चा पैदा हो गया तो कल को आप उसको मार भी सकते हो, क्योंकि आपके पास आर्म्स एक्ट है ना, आप गन रख सकते हो अपने पास। ये है अमेरिका का पॉलिसी, पॉपुलेशन बढ़ाते रहो लोगों को बुला बुला के, फिर गन बांट बांट के मारते रहो एक दूसरे को। इस साल इतने लोग मरे हैं स्कूलों में कॉलेजेस में, खुलेआम गन मारे जाए। इतना तो बिहार में शूटिंग नहीं होता यार। अच्छा बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये पॉलिसी तो बिल्कुल गलत है, हर किसी के हाथ में गन, बच्चे लोग भी गन लेके घूम रहे हैं, किसी को कभी भी ठोक दे रहे हैं, सेल्फ डिफेंस बोल के बच जा रहे हैं। नहीं, ये उनकी नीति है, उनको तो गन बेचना ही है बिड़ू, उनका तो बिजनेस है, फैक्ट्री लगा रखा है उन्होंने गोला बारूद मिसाइल परमाणु जितना वॉर वाला चीज है अमेरिका में आपको मिल जाएगा। तो उनके लोग नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा, यूक्रेन तो खरीद नहीं रहा है। अब जब खुद के घर में इज्जत नहीं रहेगा तो बाहर वाले कहां से इज्जत करेंगे? तो पहले घर वालों को गन बेचो, उसके बाद बाहर वालों को गन बेचो, पाकिस्तान हो या वियतनाम हो या लीबिया हो, सोमालिया हो, इजराइल हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो, टर्क। अरे भाई साहब, बेच बेच के ये अमेरिका वाला सब इतना रईस हो गया है कि हर जगह उंगली फंसा के एक वार करवाता है, अपना इकोनॉमी बढ़ाता है और हम लोगों को बैठे बैठाए चू बनाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ओवरऑल US और ब्रिटेन का ये पॉलिसी है कि ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर का हो, चाहे मिसाइल का हो, ड्रोन का हो, फोन का हो, मोटोरोला का हो, आईफोन का हो, बनाएंगे ये और गिराएंगे भी ये, चाहे हिरोशिमा हो या नागासाकी हो। लेकिन हम कुछ करेंगे, चाहे दुनिया में कोई भी और कुछ करेगा, तो वो कैरेक्टर ढीला है।
अब हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम जी ने अपने पॉलिसीज में इंडिया को सुपर पावर बनाने का तो सोच लिया था, तो दे मारे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, 5-5 बम फोड़े, उधर अमेरिका का हिल गया, जब हिला तो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। अब अटल जी तो अटल थे, अगला दिन 2 बम और फोड़े, तो उस टाइम यूएस ने सारी कोशिशें कर ली, साम दाम काम नहीं आया तो दंड, पाकिस्तान दे मारो, इकोनॉमिक सैंक्शन दे मारो, और इंडिया का ग्रोथ किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे वर रिजिड इनफ एंड दे वर एडमेंट कि इंडिया आगे बढ़ेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब चाहे वो अमेरिका हो जहां आज इंडिया की बहुत सारी वाहवाही हो रही है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो जहां मोदी जी को आजकल अवार्ड दिया जा रहा है, चाहे मोदी जी को जहां लोग पैर भी छू रहे हैं, तो इंडिया का नाम काफी हद तक सुपर पावर्स में गिना जा रहा है। G20, G7, G8, जी फलाना, हर जगह इंडिया इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन सुपर पावर बनने के इस रेस में हम थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, कभी ना कभी हम दूसरे कंट्रीज को अपने से कंपेयर करने लगते हैं, अपने नीतियों को उनसे कंपेयर करने लगते हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है हम अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं, वो तो उंगली करते ही हैं हमारे यहाँ, हम भी अपनी नीतियों में उंगली करने लगते हैं उसको समझे बिना। इसीलिए पॉलिटिक्स जरूरी है हर किसी के लिए। राजनीति समझना आपको 18 साल की उम्र से या फिर 12 साल की उम्र से या फिर 40 साल की उम्र से समझना चाहिए, क्योंकि आप वोट दे रहे हो, और आप किसको वोट दे रहे हो और कौन सी पॉलिसी मेकर को वोट दे रहे हो ये भी जरूरी है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा, और इसीलिए आज का एपिसोड बना था वाई पॉलिटिक्स। अब आते हैं वाई डेमोक्रेसी पे। अब मेरे समझ में तो डेमोक्रेसी वो चीज है जो सबको संरक्षण देती है, सबको आवाज देती है, सबको मौका देती है, सबको विकास देती है, सबको अपलिफ्ट करती है, सबको एक जैसा मंच देती है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता है, कम्युनिटी से आता है, किसी भी कलर का हो, रेस का हो, चाहे वो कैसा कपड़ा भी पहनता हो, चाहे वो बोले ना बोले तो भी। तो जब किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में या किसी कंट्री में जब इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहेंगे तो भेद मतभेद होगा, कलह क्लेश होगा, झगड़ा लड़ाई होगा, क्योंकि आइडियोलॉजीज कभी ना कभी मैच नहीं करते। आपके फैमिली में भी ऐसा जरूर होता होगा। तो फैमिली वाले क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं, सेट ऑफ लॉज बनाते हैं। हर डेमोक्रेसी में वही सेट ऑफ लॉज कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसी को हम सब फॉलो करते हैं। वो लॉज हमारे डेमोक्रेसी का सबसे मेन पिलर है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। आपके घर में भी एक सुप्रीम कोर्ट होगा, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो दादाजी हो। घर में लड़ाइयां भी होती हैं, एक दूसरे से मतभेद होता है, तो आप सॉर्ट आउट करते हो, जब सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको बोलने का मौका दिया जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जरूरी है, जहां आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मौका सबको मिलना चाहिए, बराबर का मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ फैमिली वाले बैठ के खाएं ये डेमोक्रेसी का नियम नहीं। वेल, डेमोक्रेसी ब्रिटिशर्स ही लाए थे, और उनका हिसाब यही था कि कुछ राजा महाराजा बैठ के साल भर, 2 साल, 100 साल, 1000 साल अभी भी एक खा रहा है बैठ के। लेकिन डेमोक्रेसी का असली मतलब ये नहीं कि एक राजा हो, नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कंट्री हमारा है, इट बिलोंग्स टू एवरी वन ऑफ अस, दैट्स डेमोक्रेसी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप जाके नॉर्थ कोरिया में भी रह सकते हो, रशिया में भी रह सकते हो, चाइना में भी रह सकते हो। So yeah, that's it from my side for this episode on this topic. अभी के लिए इतना ही बोलूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बोलूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। अभी तो बस मैंने अपर लेयर बोला है, डीप में जाओगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए पॉलिटिक्स जरूरी है समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। तो 15-20 मिनट में मैं आपको पूरा पॉलिटिक्स दुनिया भर का तो नहीं समझा सकता, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। इन्फॉर्मेशन इज प्राइसलेस। जानकारी चाहे वो 4 न्यूज देख के हो, 4 पॉडकास्ट देख के हो, 4 पेपर पढ़ के क्यों ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और दिमाग खुला रखिए। साम दाम दंड भेद नीति सब समझिए, क्योंकि सब जरूरी है। हो सकता है कि न्यूज चैनल वाले आपको ये सब ना समझा पाए, लेकिन आपको पर्सनल लेवल पे उतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा ताकि आपको पॉलिसी मेकर्स का पॉलिसीज और पॉलिटिक्स समझ में आए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस एपिसोड। लेकिन हाँ, वेट अ मिनट, चौबे जी आ रहे हैं, जाइएगा नहीं।
हाँ जी नमस्कार, हमें बंटी चौबे, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चौबे टीवी एक बार फिर से और इस सीजन के लिए आखिरी बार। लेकिन इस बार चौबे टीवी में हम आपके लिए लाए हैं चौबे अवार्ड्स। जी हाँ, आज चौबे अवार्ड्स में आपको ढेर सारे पुरस्कार, आपको नहीं इन लोगों को मिलेंगे। तो अगर आपने पिछला सीजन और इस सीजन का चौबे टीवी पूरा पूरा देखा है तो आपको अच्छे से पता है हर एपिसोड में हम नया नया प्रजाति लेकर आते थे और इन्हीं कुछ प्रजातियों में से कुछ चुनिंदा लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा आज चौबे अवार्ड्स में। तो मुद्दा यही है, क्रोनोलॉजी आप समझिए। अवार्ड्स हम दे रहे हैं लेकिन इसमें आपका कोई मत नहीं है, लेकिन फिर अभी आप ताली जरूर बजाइएगा और वोट कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा आपको पसंद आया या नहीं आया। तो हमारा आज का पहला इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में अवार्ड है लंगा लुच्चा सबसे ऊंचा अवार्ड। इनके लिए नॉमिनेशंस हैं इस कैटेगरी में ये रहे। Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi, here, there, everywhere, Monu is the night. अरे छूते चीज जो पहने लेना अपने अंग पे, ये पैंट बीन जींस बीन ये छोड़ डालो पहनने का, छूते लोग, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये जो पहन रहे ना अपन, ये वेस्टर्न। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अरे ये भेड़िया, इन जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल, गांड छुट्टे उठला। तो लंगा लुचा सबसे ऊंचा अवार्ड गोज टू आज के जनरेशन के इंस्पिरेशन 80,000 के जूते पहनने वाले MC Stan। डांस मेरे कट्टर सिर में तेरे काज, रसदीन कुत्तों के सामने मत नाच। चौबे टीवी में अगला कैटेगरी है गोलमाल ऑफ द सेंचुरी अवार्ड और इस अवार्ड में नॉमिनेशन ये रहे। United States withdrew its last forces from Afghanistan Monday, ending U.S. involvement there after 20 years. For over 500 days, Ukraine and Russia have been at war. The war has not only impacted people from both countries, but has impacted millions across the world. How this virus spread from China to the rest of the world, how the Wuhan virus crossed borders, traveled to faraway countries, creating new hotspots and leaving a trail of death along the way. गोलमाल ऑफ द सेंचुरी अवार्ड चौबे टीवी की तरफ से गोज टू रसिया यूक्रेन वार। लगे रहो लगे रहो। अरे बजा, ज्यादा क्यों कर रहे हो ज्यादा? कुछ करो। अरे यार, चौबे टीवी में आज का अगला अवार्ड, अगला कैटेगरी है नंबर वन जाफड़ा अवार्ड, स्पॉन्सर्ड बाई जाफड़ा पान मसाला बॉक्सर ग्राम सैथू से। तो इस कैटेगरी में नॉमिनेशन है ये रहे। नंबर वन जाफड़ा अवार्ड कौन से हुड को मिलेगा ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो ताली बजाइए और स्वागत कीजिए नंबर वन जाफड़ा अवार्ड लेने वाले बॉलीवुड का। उड़ जा काले कावा तेरे कुविच लंड पावा। चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ और ये वाला कैटेगरी है गोट नंबर वन मतलब बकरा नंबर वन। नॉमिनेशन ये रहे। मेरे मकड़ी लड़की देखो इधर, वहीं से दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। ये बलदेव सचिन, क्या है सचिन में लप्पू सा सचिन है,
मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगा। भाई मैं किसी धमकी से नहीं डरता, निकालना है जब मर्जी निकाल दे, अभी निकलूं बाहर, गेट खोलो अभी निकलता हूँ, दो मेरा सामान अभी जाता हूँ मैं, और रखना है रखो नहीं तो भाड़ की पट्टी में जाओ। अय्या भैया बीच में सैया, अय्या भैया एक्सट्रीम पोजीशन को इधर उधर, एक्सट्रीम पोजीशन और बीच का जो होता है उसको मीन पोजीशन। गुड नंबर वन का अवार्ड जाता है हमारे पुनीत भाई को। अगला कैटेगरी है महामजनू आशिक अवार्ड। इस कैटेगरी में ये रहे नॉमिनेशन। डावर हमला तेल छोड़े पैरों लब लीला दूंगा ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। They say the Chinese foreign minister is being punished for an affair. He is being linked to this woman, Fu Xiaotian. She's a television anchor, and if reports are to be believed, Fu too has gone missing. जैसे दो बच्चे होते हैं माँ बाप के, तो मेरी भी दो बीवियाँ हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान से भी ज्यादा, और मेरी दोनों किडनियाँ आई हैं। हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं। भाई भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया, आज तक जिंदगी में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया शान भाई। महामजनू आशिक अवार्ड गोज टू चाइना के जो नेता है, इनका नाम हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप पढ़ लीजिए और इनको अवार्ड, ताली बजाइएगा इनके लिए। ऊपर वाले के चक्कर में लड़का को पिटा हिलवा। चौबे टीवी में अगला जो अवार्ड है वो है कोटेशन अवार्ड। सबसे बड़े बड़े कोटेशन उठाए गए और उनको चुना गया, देखिए मजा आएगा आपको, ये रहे नॉमिनेशन। शराब उत्पादन करने वाले की गलती है, पीने वाले की कोई गलती नहीं है। पीने वालों की सहायता से आप शराब को पकड़ सकते हैं। बेटा सलाम करो। अरे अम्मी परेशान मत करो मुझे। बहू इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लाले पूरा ठेला लाले, सारा सारा लाले, लाले। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। चौबे टीवी में सबसे बड़ा कोटेशन अवार्ड गोज टू, और मोदी जी एक बार फिर से बोलिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। चौबे टीवी में अगला कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ हरामखोरी अवार्ड। इस कैटेगरी में नॉमिनेशन ये रहे। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाथ को खींचते हुए किस तरह से बाबा जी इलाज करते हुए नजर आ रहे, खड़ा करने की कोशिश दे। मैडम कुछ दे दीजिए। ए ले 10 रुपया। अरे क्या मैडम बस 10 रुपए, आप तो हमसे भी भिखारी लग रही। एंड द लाइफ टाइम हरामखोर अवार्ड गोज टू बाबा, ये वाले बाबा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तो चौबे अवार्ड्स में अगला कैटेगरी है द अल्फा मेल अवार्ड, और इस कैटेगरी में नॉमिनेशन ये रहे। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। Now I am become death, destroyer of British Raj. ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। हालिम में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज जो आप में हो नहीं होनी चाहिए।
140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे। हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स है ना इंडियन क्रिकेट के, अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं। सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे, आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे सारी जनता को लगेगा मैं ही स्टार हूँ। अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है। द अल्फा मेल अवार्ड गोज टू प्रभु श्री श्री पंडित जय शंकर जी की जय हो प्रभु। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला अवार्ड इनको काहे मिला, नॉमिनेशन में भी नहीं था नाम इनका। हम पहले ही बोले थे अवार्ड हमारा है, मतभेद नहीं होना चाहिए। आईफा वाले जब देते हैं तो आप लोग मतभेद करते हैं, नहीं चुपचाप बैठिए, इनको अवार्ड जाएगा। पाकिस्तान इज नॉट ग्रेट ऑन टेकिंग गुड एडवाइस, द वर्ल्ड टुडे सीज देम एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। चौबे टीवी में अगला कैटेगरी है गैंग्स ऑफ भारत अवार्ड, और इस कैटेगरी में नॉमिनेशन ये रहे। This is the difference. Please remember, as Rahmani saab, he can marry a child. He can marry 4 wives. It is another matter if 4 women would like to marry him, but that's another matter. जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए ये सारे रो रहे थे हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, ये सारों की हालत ऐसी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए, अरे ये वाला नहीं, गलत गैंग का है। भारत की सबसे बड़ी दरगाह थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई। क्या कह के जलाई गई? ये एंटी इस्लामिक है। तो भाई साहब हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता में वही है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में। The idea is to reclaim the color green. The Tiranga was being conceived of. If you ask the Mathadipatis of Hindu Mathas, their entire position was green represents Durga, white represents knowledge and therefore it is Saraswati, the saffron represents Lakshmi from what I understand. Therefore, I wanted to bust the myth that a particular color belongs to a particular community, but if at all it belongs to any particular community, well, we are the oldest, so most colors belong to us. The Gangs of Bharat Award goes to बड़े बड़े लोग हैं भाई, ताली बजाइए, स्वागत कीजिए इनका, साई दीपक जी का, आग लगाते रहते हैं। Shakti has traveled everywhere and has come back to Asia. It has finished its journey in the rest of the world. The history of the world is a movement of energy. Energy is finally coming back to its source. The explosion of interest in Bharatiya Sanskriti is tremendous. The voices that are being produced, look at the number of Shastriya voices coming out, trying to protect traditions who don't get the kind of space and the social media position advantage that we get. These are signs, and Dharma believes in cosmic signs. I cannot ignore that. Sanskriti ko bachane se pehle, pehle parivar ko bachaiye, jo aapke bachche hain, jo woke ban rahe hain, unko pakdiye. Because the motto of the left is you have power, we have your children, and they're investing in the future heavily. The rubbish from the United States has been refused by France, but India still doesn't have the guts to refuse it. I will never subscribe to gender specific binary non-binary pronouns in my life. I will never do this. This is internet karma. I'm saying this. I will never redact this particular position. As a Sanskriti that has dedicated temples for transgenders, which has celebrated in its own way, I don't need to learn your refuse. You don't need to teach us how to treat these people. They are our people. Last but not the least, Chauve TV mein agla aur last category hai Anchor of the Year Award. Aap taali bajaiye, swagat kijiye award winner ka, Banti Chauve. हम बोले थे पहले ही मतभेद नहीं होना चाहिए, अवार्ड हमारा, हमको जाएगा। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगले सीजन का वेट कीजिए, अगर चाहते हैं तो, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम बंटी चौबे रिपोर्टर ग्राम बक्सर से थू, हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ इस सीजन के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। लड़ाई में नहीं घुसते हैं या फिर किसी उंगली नहीं करते हैं कि तुम लोग आए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। जितने भी सरकार आए और गए यही बोलते रहे कि हम सिर्फ बातचीत से समझौता करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। यही है इंडिया का आइडियोलॉजी। इट्स वेरी रिलेटेबल कि आपको कोई दाम देता है तो आपके आप बिक जाते हो। कट।
दाम यानी कि पैसा। जनता को समझना जरूरी है ना, नरेंद्र मोदी इतना सा आदमी चाय बेचने वाला जो कि ऊपर पहुंच गया, वो बारीकियत से जानता है कि एक चाय बनाने वाला या फिर पंचर बनाने वाला कैसे माइंडसेट से आता है। राहुल गांधी अब पद यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं पैदल ताकि लोगों को समझ सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल सो दैट यू कैन गिव योर पॉलिसीज टू देम। दंड का मतलब आपको पता है, दंड आपको भी स्कूल में मिला है, मुझे भी मिला है, पनिशमेंट मिला है। क्रिंज लग रहा है, तीन बार बोल दिया, क्रिंज लगने लगा। चाहे वो वैगनर ग्रुप को एक कू कर दिया उसने, कू कर दिया उसने, कू मेरा वर्ड सही नहीं लग रहा, विद्रोह। इसीलिए इंटेलिजेंस काट दो आदि, इतना ही ठीक है हमको लगता है। हमारे भारत देश इंडिया में भी, तो हमारे इंडिया देश भारत में भी, इंडिया अब हो सकता है ब्रिटेन 500 साल राज करते करते थक गया, बूढ़ा हो गया, बोला कि सूडो ब्रिटेन है ना अपना यूएसए, उसको दे देते हैं चाणक्य नीति, वो अब सुपर पावर बनेगा और साथ ही साथ रशिया भी है और राज करेंगे पूरी दुनिया में। ये है राजनीति, तोड़ेंगे हली हली पिलेंगे। एक राष्ट्र एक देश पॉलिसीज या नीति को पॉलिसीज या नीति नीति क्यों आ जा रहा है बार बार, प्रधानमंत्री बने क्या ही, हर नीति आपके बेनिफिट लेनी होती है। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। भाजपा बोलती है कि वी आर द राइट विंग, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पा रहे हैं। तो ये है हमारी पॉलिसी। पाकिस्तान कैसे छूट गया है, ये पहले बोल चुका है क्या? लेकिन हमारे अटल जी फिर भी अटल रहे, अगले दिन दो बम और फोड़े, लेकिन फिर अमेरिका का झांट झरक गया। अगला दंड मिला हमें जो कि था वॉर, कारगिल वॉर। हम भी अच्छे दिख रहे हैं आज, कपड़ा अच्छा मिला है हमको, इसलिए हम भी खुश हैं। मोदी जी जा रहे हैं तो वहां पे जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ नीति और पॉलिटिक्स वही खेलते हैं जो कि घर के बड़े होते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? मतलब 80,000 के जूते पहनने वाले ज्यादा हो गया। हो सकता है कि आप न्यूज चैनल में बहुत सारा न्यूज सुन रहे हो, चार अखबार पढ़ रहे हो, चार पॉडकास्ट देख रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल ना आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन हम हमारे लिए थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, थोड़ा इसको कैंसिल कर दो। लेकिन कुछ इंडिविजुअल आपको पॉपुलेशन बढ़ाना है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ाने के चक्कर में आप जितने इंडिया के बड़े बड़े चूतिए हैं सबको लेके वहां पे जा रहे हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका, यूएस और ब्रिटेन रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ लड़ा है और अब रशिया के अगेंस्ट हो चुका है। ये किस तरह का दुश्मनी, आई मीन दोस्ती है, समझ में नहीं आता है। इंडिया आज भी थोड़ा पीछे है कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में, अपने पॉलिसी मेकर्स के चलते, क्योंकि ये भाड़े के टट्टू उठाते हैं।